मिसेस पुरोहित, क्या बात है? घर में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा. मैं चिराग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती. अकेला कहाँ है? मैं हूँ ना यहाँ. तो आप निश्चिंत होकर घर जाए, मैं चिराग पर नजर रखूंगी. माँ, मुँह मीठा. हमारे चिराग के लिए एक छोटी सी बहन या भाई आने वाला है. चला, अब अभी प्रेग्नेंट है. तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए. तुम्हारे ये सपने हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी है. हे अम्बे माँ, इस घर में जो भी मेहमान आए बिल्कुल चिराग जैसा. आने वाला बच्चा चिराग जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. विद्या वो, ये तुम क्या कह रही हो? बोलो विद्या वो, ये तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आरती की थाली गिरा दी और कुछ भी बोल रही हो? तुम्हारा चिराग इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि अल्पेश और शनाया का बच्चा भी चिराग जैसा हो? मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था. बस मैं ही अपने दिल की घबराहट को रोक नहीं पाई. मेरी इस बात से कहीं किसी को चिराग पर शक ना हो जाए और उसे फिर से उन्हीं सारी मुश्किलों का सामना ना करना पड़ जाए. पूजा की थाली गिरना तो अपशगुन होता है ना. आज ही गुड न्यूज मिली और आज ही अपशगुन हो गए. ना ना शनाया, ऐसा नहीं सोचते बेटा. लेकिन माँ, मन में तो वहम आ जाता है ना. नहीं शनाया, ऐसा कुछ नहीं है शनाया. नहीं भाभी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? मैं जानती हूँ कि आप सब चिराग से बहुत प्यार करते हैं और मैंने जो कुछ भी कहा आप सबको बहुत बुरा लगा. लेकिन आप सब जानते हैं चिराग को कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका आने वाला बच्चा उन सारी मुश्किलों का सामना करे. इसलिए मैं बस अम्बे माँ से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार हमारे घर में एक प्यारी सी बच्ची आए. शक्कर विद्या बहू, पोता तो है हमारे पास, अब हमें पोती ही चाहिए. माफ करना विद्या बहू, तुम्हारा जवाब सुने बिना ही तुमसे सवाल करने लगा. नहीं विद्या, मुझे माफ कर दो. I'm really sorry. मैंने तुम्हें गलत समझा ना. नहीं भाभी प्लीज, आप सब लोग मुझे सॉरी मत कहिए, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए. ऐसे खुशी के माहौल में मैंने ये सब. बस बस बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ. हम सब यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए मिले हैं ना, तो मुझे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए. और हाँ, अभी देवांग और चिराग भी आ जाएंगे, उन्हें क्या बढ़िया सरप्राइज मिलेगा. कॉपी दे मैंने नोटबुक्स और आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 6-10 आपका होमवर्क है. अंडरस्टूड? ओके टीचर. चिराग, आई हेट मैथ. कितना बोरिंग है और ये टीचर कितनी स्ट्रिक्ट है. कितना सारा होमवर्क दे दिया. हाँ, ग्रज कामयाब मैम होती है तो कितना मजा आता. चिराग, स्टॉप टॉकिंग एंड कॉपी दिस सम्स. बच्चों, आप सबने सम्स कॉपी कर लिए? यस टीचर. ओके. बुलबुल, तुम बोर हो रही हो ना?
अब देखो कितना मजा आएगा। क्योंकि मम्मी किसी काम में बिजी है इसीलिए मैं आया। मेरे पास आपके लिए कुछ है। अच्छा बताओ मेरी पॉकेट में क्या है, चूहा है या रैबिट है? बोलो बोलो, बिना देखे बताना पड़ेगा। गिव अप। यस पापा, गिव अप। ये मैं जीत गया, लेकिन इनाम तो चिराग को मिलेगा। I love you too. पापा, आपके पास आपके पॉकेट में एक और चूहा है। एक और चूहा? शायद। पर किसके लिए? है कोई? आप यहाँ पे एक मिनट वेट करो, मैं दो मिनट में आया। अरे चिराग, अरे चिराग। काम्या मैम, अब पीली चॉकलेट। थैंक यू। पापा, ये काम्या मैम है, आज स्कूल में न्यू आई है और ये मेरी फेवरेट टीचर है। हाय, आई एम इंप्रेस्ड। चिराग तो पहले ही दिन आपका फैन हो गया। बहुत ही प्यारा बेटा है। इवन आई एम इंप्रेस्ड। हैंडसम फादर, हैंडसम सन। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे चिराग ने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया। आई एम दीवांग कलेक्टर ऑफ द सिटी, जानती हूँ आपके बारे में। If you don't mind, एक सवाल पूछूं आपसे। Please. पहले ही दिन आप इतनी फेवरेट कैसे बन गई? मिस्टर पुरोहित, मैं एक साइकेट्रिस्ट के साथ साथ स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ। बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करें, उनका क्लास का हैप्पी माहौल, स्ट्रेस फ्री कैसे रखना, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। इसलिए शायद चिराग को मेरी ये अप्रोच पसंद आए, है ना? मिस्टर पुरोहित, आज आपकी वाइफ के साथ मुलाकात हुई, उन्हें अचानक घर जाना था तो वो घबरा रही थी कि चिराग को स्कूल में अकेले कैसे छोड़े। बट देखिए ना, चिराग कितना खुश है, मस्ती कर रहा है। थैंक्स टू यू। वो एक्चुअली चिराग की मॉम काफी वरिड रहती है, ये अटैच्ड है इससे। माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है, पर कभी कभी माँ भूल जाती कि उसका वही प्यार बच्चे के लिए बंधन बन जाता है। अगर बच्चों को थोड़ी सी आजादी दी गई ना तो उनकी पर्सनैलिटी और भी निखर जाती है। आपने और आपकी वाइफ चिराग की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया था। यहाँ के सभी माँ बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते, मगर इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए। जरा सोचिए, अगर आपने उसका हाथ नहीं छोड़ा होता तो क्या आज वो चल पाता? मिस्टर पुरोहित, स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना बहुत जरूरी है। बच्चों की मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के लिए उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी आजादी और थोड़ा सा खुला माहौल देना बहुत जरूरी है। मैं स्कूल में बच्चों को तो संभाल लूंगी, बट आई रियली विश मैं हर पेरेंट को ये बात समझा पाती। बाय चिराग, कल फिर मिलते हैं, ओके? यस टीचर, बाय बाय। बाय बाय। पापा, काम्या मैम कितनी अच्छी है ना। अच्छा, अब घर चलें। हमारे लिए वहां पर एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज पापा? वो तो मुझे भी नहीं पता, मम्मी ने कहा कि जब घर पहुंचेंगे तब पता चलेगा। तो घर चलो ना जल्दी पापा। चलें।
अब हम घर आ गए हैं ना, अब तो सरप्राइज बता दो क्या है। देखा इसे कितना उतावला हो रहा है। बता दूं तुम्हें? हाँ बा, जल्दी बताओ ना। अब बता भी दो सरप्राइज क्या है, कब से? हमारे घर में अब एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मेहमान आने वाला है। बा, कौन है वो? और मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ खूब खेल सकते हो, और उसे गोदी में भी उठाना। बा, वो कब आएगा? उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अभी और 8 महीने लगेंगे। फिर तुम्हें तुम्हारी शनाया चाची एक क्यूट सा फ्रेंड लाकर देगी। सच? अब मुझे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा, हम दोनों मिलके बहुत मस्ती करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चाचा बनने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू देवा। अल्पेश भाई, अब बच्चों को कैसे संभालते हैं इसकी ट्रेनिंग आप मुझसे लेना शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं। सनाया भाभी, ये नया एहसास, ये नया सुख, आपको बहुत बहुत मुबारक। चिराग, अब आप सच में बिग बॉय बन गए। अब आपको बहुत जल्दी कोई भैया भैया बोलेगा। सच्ची पापा? हाँ। अब मैं बिग ब्रदर बन जाऊंगा? हाँ।
दादाजी बा आप दोनों मुझे कंफ्यूज ही कर दोगे। हमारा चिराग बेटा कंफ्यूज हो गया। आजा बेटा, आओ इधर आ। कोई बात नहीं बेटा, तो एक काम करते, अपनी आंखें बंद कर लो और अगर तुम्हें बॉय दिखाई दिया तो गुड्डे को छू लो और अगर गर्ल दिखाई दी तो गुड़िया को छूना। ओके शीला। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है, भाई या बहन? छू के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। कोई भी नहीं। हाँ? चिराग ने ये क्या कह दिया, कहीं सब उसकी इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाल दे। चिराग, चिराग ऐसा नहीं बोलते ना बेटा। पर मम्मी जब मैंने आईज क्लोज की तो मुझे कोई भी नहीं दिखा, ना बॉय दिखा ना गर्ल दिखी, तो फिर मैं क्या बोलता? कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए, भाई या बहन? मुझे तो एक क्यूट सी बहन चाहिए। वाह वाह। चिराग ने ऐसा क्यों कहा, उसे कुछ दिखा क्यों नहीं? किसी और की नजर इसकी रिकॉर्डिंग पर ना पड़े, इसके लिए मुझे ये हैंडीकैम सबसे छुपा कर रखना होगा। मम्मी ये देखो, मैं ये सारे टॉयज ना अपनी छोटी सिस्टर को दूंगा, कितनी क्यूट सी होगी ना वो, मैं बहुत प्यार करूंगा उससे, उसे हंसाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसे रोने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और मम्मी अगर वो रोएगी ना तो मैं इस किट्टी को ऐसे बजाऊंगा। और फिर वो चुप हो जाएगी ना मम्मी, हंसने लग जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, कितनी क्यूट सी होगी ना वो। लगता है बारिश आने वाली है। चिराग लॉन में कपड़े सुखाने रखे, मैं वो लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे भी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। Thank you.
क्या बब्बू? क्या देख रहे हो चिराग? फिर से अपना वो वाला डांस? मैंने तो हैंडीकैम अलमारी में छुपा कर रखा था, किसे किसे मिल गया? क्या हुआ चिराग, क्या देख रहे हो? लेट मी ऑल्सो सी। अगर देवांग ने भी ये रिकॉर्डिंग देख ली तो